क्वांटांगिया गोरखपुर का वो गांव जो 2017 के बाद से वजूद में आया, यानी योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उसके बाद इस गांव को मान्यता मिली और इस गांव में जो विकास की बयार है वो बहना शुरू हुई। क्योंकि अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का इस गांव से पुराना नाता रहा है। कहा यह जाता है कि जब जब दिवाली होती है वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ के लोगों के साथ बैठते हैं, यहाँ पर दिया जलाते हैं और निरंतर विकास की बयार को यहाँ पे बहाते हैं। तो ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम ये जानेंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इनके जीवन में क्या बदलाव आया है। करी सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। बिंद्रावती। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके इस गाँव का क्या विकास हुआ और आपका क्या विकास? हम लोग के जब से हम लोग के विकास है यहाँ पे हम लोग के मिल गया बाबा हमारा दे दिए हैं, बहुत यहाँ खुशी की बात है। हम लोग के बहुत अच्छा लग रहा है। जब तक बाबा यहाँ पर हम लोग के दीपावली में आते नहीं हैं, दिया नहीं जलाते हैं, तब तक हम लोग दीपावली के दिया नहीं बांटते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा सब कुछ को हम लोग को सुविधा बाबा दे दिए हैं। हम लोग को पढ़ने के लिए, भोजन के लिए, राशन भी हम लोग को मिल रहा है, सब कुछ सुविधा बाबा हम लोग को दे दिए हैं। हमारे यहाँ के मुखिया जो हैं राम गणेश, हम लोग के मंत्री जैसे वो मंत्री वैसे हमारे यहाँ इसको मंत्री हम लोग मानते हैं और सब कुछ को हमके अच्छा यहाँ बहुत अच्छा बढ़िया लगता। जब महाराज जी दिवाली में यहाँ आते हैं आप लोगों के साथ दिया जलाते हैं, उस वक्त का वर्णन अगर मैं पूछूँ तो क्या नज़ारा रहता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहता है, बहुत बढ़िया लगता है। हम लोग के यहाँ पर बाबा जब आ जाते हैं तो हम लोग के बहुत खुशी की बात ही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ हैं उनका इस गांव से पुराना नाता रहा है। दिवाली में जब जब वो यहाँ पे आते हैं, दिया जलाते हैं, उसके बाद से ही दिवाली का असली रंग इस गांव में देखने को मिलता है। और भी महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे। अम्मा का नाम बा? हमारा नाम हौसला है। योगी आदित्यनाथ आपके नज़रिए से क्या है? हम उनके लिए बहुत बढ़िया काम कैले बाट रहे हैं। त्रिकुनिया नंबर 3 में शौचालय दे दिले हमें, आवास दे दिले हमें, लाइन दे दिले हमें, खरंजा लग गई बा और स्कूल हो गई बा और एक काम बाकी है कि खेत के कागज पट्टा भर मिलल बा, असली कागज नहीं मिलल बा, वही हमन के मिल जाए तो सब कुछ हमन के मिल जाए। अच्छा, इस मुद्दे पर बाबा से बात हुई आपकी? बाबा से मुद्दे पर नहीं, बाबा जब दीपावली के आवल हैं तब हमन से बाबा से मुलाकात होला। हमन ये सोचा थे कि बाबा जीते हैं। अच्छा, बाबा जीते हैं। ये जब मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ उसके बाद से इस गाँव को वजूद मिल गया। उस वजूद में क्या क्या मिला है और कैसे इस गांव का विकास हुआ? बहुत बढ़िया विकास हुआ है, सब कुछ मिल गया है। राशन नहीं है मिलता, कोई 10 किलो पाता, कोई 5 किलो पाता, अब तो बाबा के होती में 35 किलो सबको 35 किलो राशन मिलता, ललका कार्ड बन गया है। हाँ, बहुत आनंद है। अच्छा, ये कहा जाता है कि इनके राज्य में जो किसान हैं, जो गांव वाले हैं, वो छुट्टा जानवरों से परेशान हैं। क्या छुट्टा जानवर यहाँ पर? हाँ, छुट्टा जानवर आते हैं और सब चर जाते हैं और बचता ना, ये इसीलिए इनका खेत थोड़ा पड़ती रह जाता है। इसकी शिकायत आपने महाराज जी से की है अब तक? हाँ, किए हैं, लेकिन बाबा कहें सब हो जाएगा। तो सब हो जाएगा इस उम्मीद में लगातार यहाँ के जो निवासी हैं वो हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और भी महिलाएं, उनसे जानेंगे। जब आपको राशन मिलना शुरू हुआ उसके बाद से घर में किस तरीके की माहौल रहा और क्या विकास हुआ इस गांव में, आपसे जानना चाहूँगा। तो और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या लगता है जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं उसके बाद से इस गांव में क्या बदलाव आया है? बहुत कुछ बदलाव हुआ। पहले लड़के जान नहीं पाता ना, मुख्यमंत्री कहाँ, प्रधानमंत्री कहाँ, देश का अपने के अधिकारी है के नाई है, बकर अब तो सब बच्चा बच्चा से पूछल जाए तो जा ही। प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, मोदी जी हैं, मुख्यमंत्री बाबा जी हैं। अच्छा, जब बाबा जी सांसद थे उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने तो क्या कुछ बदलाव आया व्यवहार में कि यहाँ के प्रति व्यवहार निरंतर वैसा ही है? बहुत बदलाव आए। जैसे कि मतलब पहले भी हमन के कुछ नहीं रहल, घर मकान आवास बिजली सब मिलल। नहीं, मैं योगी आदित्यनाथ जी के व्यवहार की बात कर रहा हूँ। जब वो सांसद थे तब भी वो यहाँ आते थे, हाँ। मुख्यमंत्री बने उसके बाद भी निरंतर आए, हाँ। क्या कुछ व्यवहार में बदलाव आया? बहुत कुछ, बहुत बदलाव बा। आज भी हमन के ही लगा कि आज ये समय में हमन के बाबा ना हमन के भगवान हम, हाँ। ऐसा जब वो यहाँ आते हैं तो आप लोगों से बातचीत होती है कुछ? हाँ, होला, आशीर्वाद देना बाबा हमन के बीच आ,
हमन पैर छुगल जाला बाबा हमन का आशीर्वाद देना बहुत कुछ बा बदलाव बहुत बा हमन मानल जाला कि बाबा फिर जीता हमन के ऐसा हरदम बनल रहा। अच्छा, दिवाली में यहाँ आते हैं, दिवाली के बाद या दिवाली से पहले भी क्या कभी मन होता है कि वो लोग यहाँ वो यहाँ पे आए या आप लोग उनके पास जाते हैं मिलने? हरदम बाबा के महल पर जरूरत पड़ा सब जाला मिले। हाँ तो आप लोग ये बातें सुनते हैं? हाँ, हर एक चीज बाबा हमन के मन के बात सुना ना, जौन कहल जाला तौन बाबा करे ना, सब कुछ उन्हीं मर्जी से होता उन्हीं मर्जी से मना जी समय पर मतलब बिजली पंखा हर एक चीज के देखे मिला था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वनटनिया गांव का जो भविष्य है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदलने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं, और अगर उनको दोबारा मौका मिलता है तो फिर से विकास की जो बयार है वो इस गांव में बहेगी। बहरहाल मैं इस गांव की तस्वीरें दिखा दूं कि 2017 के बाद से यहां पर जो सुविधाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो सड़कों की बात हो, बिजली की बात हो, विकास की बात हो, स्कूल की बात हो, कुल मिलाकर जो ये विकास है वो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जा सकता है। सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है, कहीं ना कहीं जो ये गांव है इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगाव या सांसद योगी आदित्यनाथ का लगाव रहता है, और शायद यही वजह है कि आज भी मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने के बाद भी वो यहाँ पर आते हैं, दिवाली मनाते हैं, इन लोगों का सुख दुख सुनते हैं, साथ ही साथ बात करते हैं, और कहीं ना कहीं जो विकास की बयार है वो निरंतर इस गांव में बहती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं उनका अभी भी ये मानना है कि आने वाली जो सरकार होगी वो फिर से योगी आदित्यनाथ की होगी, क्योंकि उनकी सरकार में ही इस गांव का वर्चस्व निकल कर सामने आया है। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, गोरखपुर। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।